हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रायपुर ज़िले में NHM यानी कि आप लोगों के नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और लगभग यहाँ पे 183 से 200 के करीबन पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है वैकेंसी के PDF को और यहाँ पर हम देख सकते हैं एप्लीकेशन की संविदा भर्ती है और 24 तारीख का ही ये नोटिस है। अगर आप लोग देखेंगे ऊपर पे, ये देख सकते हैं 24/11/2021 को ये रिलीज़ हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे लास्ट डेट अगर एप्लीकेशन करने की है तो 14/12/2000 तक आप रजिस्टर्ड डाक के या फिर रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। और वैकेंसी का विवरण यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग डिटेल में। ANM के पोस्ट हैं, नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट हैं, नर्सेस के पोस्ट हैं। उसी तरीके से नीचे और आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कम्युनिटी नर्स नर्स है, OT टेक्नीशियन है। और भी यहाँ पे नीचे देखेंगे फार्मेस्ट के पोस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पोस्ट हैं, डेंटल असिस्टेंट के पोस्ट हैं। तो लगभग एक प्रोग्राम जो NHM है उसके अंतर्गत लगभग हर टाइप के पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। देख सकते हैं फार्मेस्ट है, RBS के स्टाफ नर्स है, NRC। और उसी तरीके से नीचे और आएंगे तो देखेंगे आया बाई या फिर क्लीनर। और यहाँ पे देखेंगे सोशल वर्कर के हैं। उसी तरीके से TBHV, यहाँ पे ऑप्टेथेलमिक असिस्टेंट हैं, ऑडियोमेटिक यहाँ पे असिस्टेंट हैं। उसी तरीके से नीचे देखेंगे काउंसलर है आपके, सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, हाउसकीपिंग है, सिक्योरिटी पर्सनल है, नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट हैं। उसी तरीके से नीचे देखेंगे आप लोग लैब टेक्नीशियन के पोस्ट हैं और फार्मेस्ट के पोस्ट हैं। तो लगभग यहाँ पे बहुत से पोस्ट हैं अलग अलग यहाँ पे फील्ड के। देख सकते हैं यहाँ पे DO कम अकाउंटेंट है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, CPMU। और यहाँ पर देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन है, फार्मेस्ट है। और प्रोग्राम का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है किस प्रोग्राम के अंतर्गत है। तो लगभग 40 अलग अलग डिफरेंट टाइप के पोस्ट के लिए कैटेगरी के यहाँ पे 183 के करीबन पोस्ट निकाले गए हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हैं अगर हम ANM की बात करें तो NHM प्रोग्राम के अंतर्गत UR कैटेगरी के लगभग यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। SC के लिए 0 है, ST के लिए 1 है और OBC के लिए 2 है। और यहाँ पे देख सकते हैं 12th पास मांगा गया है, साथ ही साथ आपका लाइव रजिस्ट्रेशन मांगा गया है CG नर्सिंग से। और इसके लिए आपकी सैलरी रहने वाली है 12,000। उसी तरीके से नर्सिंग ऑफिसर के 33 पोस्ट हैं, BSc नर्सिंग मांगा गया है। और यहाँ पे नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मांगा गया है लाइव। और यहाँ पे देख सकते हैं 16,500 की सैलरी आप लोग को मिलने वाली है। एक और नर्स है, उसकी वैकेंसी यहाँ पे देखेंगे 31,500 होने वाली है। MSc या BSc नर्सिंग और लाइव रजिस्ट्रेशन या डिप्लोमा मांगा गया है रिलेटेड सब्जेक्ट पे। उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिटी नर्सेस के एक पोस्ट हैं, OT टेक्नीशियन है यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के लिए। तो उसमें आप लोगों का पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लाइव होना चाहिए, साथ ही साथ OT कोर्स पास्ड आउट मांगा गया है। उसी तरीके से फार्मेस्ट के लिए फार्मेसी 50% के साथ फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से लाइव रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। और यहाँ पे देखेंगे 16,500 की सैलरी आपको मिलने वाली है। उसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं डेंटल असिस्टेंट के 2 पोस्ट हैं यहाँ पर, UR कैटेगरी के लिए 1 और यहाँ पे ST के लिए 1। और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन लैब टेक्नीशियन डेंटल असिस्टेंट 12,000 सैलरी, 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग दिया है आप लोगों से। वो तो ये देख लेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम एक एक क्वालिफिकेशन को डिस्कस करें। तो यहाँ पे क्लीनर के 5 पोस्ट हैं, आया बाई के 5 पोस्ट हैं, ए सॉरी 10 पोस्ट हैं। 8 पास मांगा गया है आप लोगों से। सैलरी देख सकते हैं 8,800 रुपये आप लोगों की रहने वाली है। अगर ये 2 पोस्ट हैं आपके आया बाई या क्लीनर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे सोशल वर्कर के यहाँ पे पोस्ट हैं, टेक्निकल यहाँ पे सैनिटरी अटेंडेंट के एक पोस्ट हैं। यहाँ पे ब्लॉक डेटा मैनेजर के 2 पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन प्लस आपका PGDCA मांगा गया है।
तो ये सारा कुछ वैकेंसी का विवरण आप लोग एक एक देख लेंगे। लैब टेक्नीशियन का मैं बता देता हूँ, DMLT या BMLT कोर्स के साथ 14,000 यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट निकाले गए हैं, फार्मेस्ट के पोस्ट हैं, देख सकते हैं ANM, और ये प्रोग्राम का नाम, लैब टेक्नीशियन के 12 पोस्ट हैं, नर्सिंग ऑफिसर के देखेंगे 27 पोस्ट है, और इसके लिए BSc नर्सिंग का JNM कोर्स पास्ड आउट और लाइव रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। इसके लिए सैलरी यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये आप लोग वैकेंसी की देख लीजिएगा डिटेल में। यहाँ पे एप्लीकेशन एक्चुअल में आपको करना कैसे है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको आपको भर कर 14/12/2021 यानी कि 14 दिसंबर के पहले तक आप लोगों के जो फॉर्म है वो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर के पते पर पहुंच जाना चाहिए डाक के माध्यम से। और यहाँ पे देख सकते हैं, आवेदक को आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना है, कार्यक्रम का नाम लिखना है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे जो भी कैटेगरी है आपके ST SC OBC वो आपको अनिवार्य रूप से लिखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट की बात करें तो 18 से 70 साल तक यहाँ पे मांगा गया है, और 64 वर्ष की प्रबंधी की पद हेतु होगी ये लिखा हुआ है। और एज की जो गणना है इस वैकेंसी के लिए 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। और नीचे देख सकते हैं संविदा भर्ती से संबंधित कुछ नियम दिए हुए हैं, उसको आपको पढ़ना है। ये देख सकते हैं ये जो संविदा भर्ती है 31 मार्च 2022 तक के लिए रहने वाली है, और आवेदन का शुल्क यहाँ पे आपको लगेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप दिव्यांग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से या फिर महिला कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आपकी जो सैलरी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं 25,000 के नीचे है, तो आपको 100 रुपीज़ देने होंगे। अदरवाइज़ अगर 25,000 के ऊपर के पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो 200 रुपीज़ का आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200, अगर 25,000 के नीचे के सैलरी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, अगर ऊपर के लिए कर रहे हैं तो 300। उसी तरीके से यहाँ पर 300 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 400, अगर 25,000 के ऊपर की सैलरी वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और ये देख सकते हैं आवेदन शुल्क का भुगतान किस प्रकार करना है, तो किसी भी नेशनलाइज बैंक से आपको जिला स्वास्थ्य समिति रायपुर के नाम पर एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और उसको संलग्न करना है, जो वापसी नहीं किया जाएगा। एक से अधिक पोस्ट के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना है, और अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट भी उस पोस्ट के अकॉर्डिंग बनाना है आप लोगों को। और यहाँ पे देख सकते हैं प्राप्त आवेदनों में अगर अभ्यर्थियों की का दस्तावेज सत्यापन चयन ये सारा कुछ किस तरीके से होगा ये लिखा हुआ है, तो 1 से 10 होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का संख्या 10 गुना बुलाया जाएगा, 11 से 15 होने पर 5 गुना, और 50 से अधिक होने पर कुल विज्ञापित रिक्तियों का 3 गुना यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और जिसकी समय समय पे यहाँ पे जो सूचना है वो अपडेट होते रहेगी वेबसाइट पे। और यहाँ पे देख सकते हैं 10वीं का जन्म प्रमाण, ये क्या क्या आप लोगों के सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जो आपको जमा करना है, तो 10th का 12th का शैक्षणिक योग्यता से प्रत्येक वर्ष की अंक सूची लगने वाली है, छत्तीसगढ़ का जो जीवित पंजीयन है काउंसिल अलग अलग डिपार्टमेंट के वो लगने वाले हैं, देन यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, देन रोजगार पंजीयन भी मांगा गया है, पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारा कुछ लगा सकते हैं। और यहाँ पे किस प्रकार से अंतिम चयन होगा वो लिखा हुआ है, देख सकते हैं 60% 65% आपका जो शैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, और अनुभव के आधार पर आप लोगों को अंक दिए जाएंगे, तो उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और यहाँ से भर्ती से संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे। और ये रहा दोस्तों एप्लीकेशन का फॉर्मेट, इसको कैसे भरना है, आवेदक का नाम, यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या कार्यक्रम का नाम, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे कैपिटल में हिंदी इंग्लिश, और यहाँ पे पिता या पति का नाम, देन उसके बाद जन्म तिथि हिंदी में, अंकों में, शब्दों में,
ये सारा कुछ भर लेंगे और इजीली है। फॉर्मेट काफ़ी बार मैंने बताया भी आप लोगों को, तो इसको आप लोग अप्लाई कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। आई होप ये वैकेंसी आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ।